होम कुकिंग विद शेट्टी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अक्षता और आज मैं ले आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही सिंपल इंडियन स्ट्रीट फूड जिसे बहुत सारे डिफरेंट सिटीज़ में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र में और स्पेशली पुणे और मुंबई में कहा जाता है ब्रेड पकौड़ा। ये हम बनाएंगे एक बेसिक पोटैटो स्टफिंग के साथ। आप इसे आपकी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। कभी भी मन किया शाम को चाय के साथ बनाना है तो फटाफट इस रेसिपी को बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, साथ में बनाते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए अब हम एक कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। 1 टेबलस्पून काफ़ी होगा। इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 टीस्पून जीरा। जीरा को थोड़ा सा हम इसमें सॉटे कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कुछ, यहाँ पे मैंने लिया है जिंजर नहीं, यहाँ पे सिर्फ है ये लहसुन और मिर्ची का एक पेस्ट। ये है लगभग 2 टीस्पून। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी। फिर यहाँ पे हल्दी भी थोड़ी सी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज्ड बॉइल्ड पोटैटोस। इसे मैंने नॉर्मल 2 पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम हल्के से सिर्फ इसमें थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद ये जो पोटैटो मैशर होता है जो यूजुअली पाव भाजी के लिए यूज़ होता है उसे यूज़ करेंगे और इसे मसाले में ही हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे गैस का आंच मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। इसे आपको पूरी तरह से अच्छे से मैश करना है ताकि कुछ गुठलियाँ ना बचे और ये एकदम स्मूथ एक पेस्ट बन जाए। अब ये एक सॉफ्ट मैश बन चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और इसे हम हमारे पोटैटो के इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी फिलिंग है इसमें मैंने बहुत सारा मसाला भी ऐड नहीं किया है और कुछ अनियन वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, एकदम बेसिक रखा है इसे। सिर्फ मेन चीज़ इसमें है जो फ्लेवर इन्हांस करेगा वो है हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। वो इसमें अच्छा टेस्ट एक फ्लेवर देगा, हमेशा पोटैटो के साथ वो एक अच्छा से जाता है। आप इसमें हरी धनिया भी डाल सकते हैं, कोरिएंडर लीफ फाइनली चॉप करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अब फ़िलहाल नहीं यूज़ कर रही हूँ। सो अब हमारा ये जो स्टफिंग है वो है रेडी। अब इसे हम ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। अब हम इसके कोटिंग बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल में लिया है कुछ बेसन का आटा। इसमें हम ऐड करेंगे 1 पिंच सोडा, खाने का सोडा होता है या फिर आप इनो यूज़ कर सकते हैं, यूजुअली खाने का सोडा होता है घर पे तो बेटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। इसे हम इस तरह से हाथों से क्रश करेंगे थोड़ा सा और इसमें डालेंगे।
अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और जो हमने पहले बनाया था, गार्लिक और चिली का पेस्ट, लगभग 1 टीस्पून। ये कोटिंग को भी अच्छा टेस्ट देगा। अगर आप नॉर्मल सिर्फ बेसन का बनाएंगे तो वो बहुत ही एकदम बेसिक लगेगा, तो ये आप डालोगे तो वो और अच्छा टेस्ट एनहांस करेगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ पानी नहीं डालना है, क्योंकि आप एक साथ पानी डालेंगे तो उसके गुठलियाँ क्रिएट होंगे, जो हम नहीं चाहते हैं। सो बहुत कम पानी डाल के पहले इसे आप इसका पेस्ट फॉर्म करें। उसी के बाद फिर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करें। सो जब हमारा ये डिप का पेस्ट या कोटिंग रेडी हो रहा है, आप अगर हमारे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो तो देखिएगा ज़रूर, उसी के साथ हमारे बाकी के काफ़ी सारे और वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं और कुछ व्लॉग्स, उसे भी आप देखिएगा और बताइएगा आपको ये कैसा लगा। ऑल्सो हम बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी बहुत ही लाइव है, एक्टिव है, वहाँ पे भी हम हमारे सारे रेसिपीज़ और फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं। वहाँ पे भी हमें फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, जिसके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन्ड। और इस तरह से हमारा ये मिक्सचर हो रहा है रेडी। साइड में मैंने यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए ऑयल भी रख दिया है, इजी पड़ता है, राइट? प्रोसेस फास्टर बन हो जाता है जब यहाँ पे ये घोल हो रहा है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। सो अब ये कंसिस्टेंसी हम एडजस्ट कर लेंगे, एक बार चेक करते हैं। एक स्पून यूज़ कर रही हूँ मैं। अब ये परफेक्टली एक पेस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है और कोई गुठलियाँ नहीं है। ओके, ये है परफेक्टली अब रेडी। अब चलते हैं हमारे स्टफिंग करने के प्रोसेस पे, उसके बाद हम डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल स्लाइस वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप इसके बदले ब्राउन ब्रेड या फिर लादी पाव होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर पहले हम हमारा ये जो पोटैटो का मिक्सचर है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। कंजूसी बिल्कुल नहीं करेंगे, अच्छे से इसे स्प्रेड करना है। मैं यहाँ पे जैसे हम बटर यूजुअली स्प्रेड करते हैं, उसी तरह से मैं एक नाइफ लेके कर रही हूँ, ताकि इसके एजेस भी अच्छे से कवर हो जाए। हम नहीं चाहते कि आप जो भी बाइट ले उसमें सिर्फ ब्रेड लगे, उसमें ये स्टफिंग भी अच्छा से टेस्ट लगना चाहिए। अब पूरी एजेस को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसके ऊपर हम एक और स्लाइस ऑफ ब्रेड लेंगे। आप अगर बहुत और तीखा पसंद करते हैं, जो हमने एक चटनी बनाई थी हरी मिर्च और गार्लिक की, आप उसे इसके ऊपर लगा सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी लगेगा। तो उसमें सिर्फ आपको नमक ऐड करना पड़ेगा, मैंने नहीं लिया था, नमक नहीं ऐड किया था। इसे हम एग्जैक्ट परफेक्ट एजेस के साथ कवर करके परफेक्टली प्लेस करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ताकि ये जो स्टफिंग है वो अच्छे से उसमें दूसरी ब्रेड को भी अच्छे से चिपक जाए। अब इसे मैं फुल्ली इसी तरह से डिप नहीं करूँगी, इसे एक थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। हम इसे कट करेंगे ट्रायंगल शेप में, आप इसे आपके हिसाब से कट दे सकते हैं या फिर फुल्ली बना सकते हैं। हमारा कुकिंग चैनल है तो हम पसंद करते हैं कि हमारा थंबनेल भी अच्छा बने, तो यूजुअली प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसे कुछ अच्छा सा एक लुक दे। देखिए इस तरह से ये दो कट हम करेंगे। और ऑल्सो आप इसे छोटे पीसेस करेंगे तो इसका एक्चुअली फ्राइंग के लिए अभी इजी पड़ता है, तो वो एक और एक रीज़न है कि मैं इसे थोड़ा अलग कट दे रही हूँ।
सो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 पीसेस बना लिए हैं। स्टफिंग एकदम अच्छा से पूरी तरह से दिख रहा है यहाँ पे, कम्प्लीटली कवर्ड। सो अब इसे हम डिप कर लेंगे और इसे डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे चलेंगे। और एक चीज़ है, अगर आप चीज़ के साथ इसे एंजॉय करना पसंद करते हैं तो जब मैंने यहाँ पे ऊपर का एक लेयर ऑफ ब्रेड लगाया था उस पर एक स्लाइस चीज़ लगा लीजिए, फिर उसे प्रेस कीजिए और कट कर लीजिएगा और डिप करेंगे तो ये सेम रेसिपी आप विद चीज़ एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों का तो ऑल टाइम फेवरेट है, सो चीज़ नेवर गोज़ रॉन्ग। सो अब चलते हैं डीप फ्राई करने के प्रोसेस पे। सो यहाँ पे ऑयल मैंने जैसे कहा था ऑयल ऑलरेडी गरम करने के लिए रख दिया था, ये काफ़ी गरम हो चुका है, इसे मैंने अभी लो फ्लेम पे ही रखा है। अब हम हमारे इस पोटैटो स्टफिंग के ब्रेड को अच्छे से कोट करेंगे इस बेसन के घोल में, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे निकल जाने दे। और इसे डीप फ्राई होने देंगे, ये लेगा कुछ 2 से 3 मिनट फ्राई होने के लिए। मीडियम आंच पे ही इसे फ्राई करिएगा, हाई फ्लेम पे करेंगे तो बहुत ज़्यादा जल सकता है। इसे हमें सिर्फ बेसन को ही फ्राई करना है मेजरली, बिकॉज़ अंदर से जो हमारा स्टफिंग है वो ऑलरेडी बॉइल्ड है, बॉइल्ड पोटैटो का ही है, सब्जी बनी हुई है। सो ये ब्रेड को आपने देखा था मैंने जैसे कट किया था, वैसे कट करने का एक और फ़ायदा ऐसा है कि आपको ये फ्राई करने में बहुत ही ईजी पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा ऑयल भर के कढ़ाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सो वो एक अच्छा सा एक टिप है आप जब बनाते हैं, और ये एक फिंगर फूड जैसा खाने के लिए सर्व करने के लिए भी ईजी है। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके लेंगे। इसमें मेन जो चीज़ है इसका जो बेसन का घोल है उस पर आपको ध्यान रखना है, बहुत पतला मत बनाइएगा क्योंकि आप बहुत पतला बनाएंगे तो वो ब्रेड पे अच्छे से चढ़ेगा नहीं और आपका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। और कैसा होता है जब आप ऑयल में डालते हैं तो वो इमीडिएटली पूरा फैल जाएगा, तो आपको वो ऑयल भी वेस्ट करना नहीं है और सिर्फ तला हुआ ब्रेड भी नहीं देना है, ये एक टाइप का ब्रेड पकोड़ा है राइट, सो उसमें थोड़ा तो बेसन लगना ही चाहिए, सो इसलिए घोल थोड़ा सा थिक रखना ज़रूरी है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है, सो इस तरह से अब ये पूरी तरह से अच्छे से सुनहरे कलर में फ्राई हो चुका है। ज़्यादा फ्राई ना करें नहीं तो वो कलर ख़राब दिखेगा, और जैसे मैंने कहा था हमारे थंबनेल के फ़ोटोज़ ख़राब दिखेंगे और आप भी हमारे वीडियोस को फिर देखेंगे नहीं। सो इस तरह से हमारा ये बहुत ही इजी पोटैटो स्टफ्ड ब्रेड पकोड़ा है रेडी। आप इसे हरी चटनी के साथ एंजॉय करें या केचप के साथ, एज अ घर में जो छोटा सा पार्टी होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा ईजी स्नैक है, और बच्चों तो हमेशा ही इन्जॉय करते हैं इसे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा और सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस तरह से ये वीडियो होता है ख़त्म, और हैप्पी कुकिंग।